नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। इससे पहले भी मैंने प्राचीन भारत में जितने भी विदेशी आक्रमण हुए हैं उनको मैंने अलग अलग विस्तार पूर्वक से उनके ऊपर वीडियो बना रखा है। जैसे कि ईरानी आक्रमण, उसका अलग वीडियो मिलेगा आपको। यूनानी आक्रमण जिसमें सिकंदर ने आक्रमण किया था, उसका पूरा डिटेल से मैंने बता रखा है। फिर यवन, शक, उसके बाद पार्थियन, फिर कुषाण, इन सब के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है। उनके अलग अलग वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। लेकिन आज जो है हम इन सारे विदेशी आक्रमणकारियों को एक ही वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या हुआ था, किस प्रकार से ये लोग जो है एक के बाद एक भारत में आए थे। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उन सब चीजों को हम आज एक ही वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण। देखिए, हमारा जो भारत का इतिहास है वो तीन भागों में बटा हुआ है। पहला प्राचीन भारत, जो कि प्राचीन समय से लेकर के 1206 ईस्वी तक माना जाता है। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना होती है, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। तो 1206 से लेकर के 1707 तक मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु तक, इसको कहा जाता है मध्यकाल। उसके बाद 1707 से लेकर के अभी तक के काल को कहा जाता है आधुनिक काल। तो इन तीन कालों में बटा हुआ है और इन तीनों ही कालों में हमारे भारत में विदेशियों द्वारा बाहर से आक्रमण किया गया था। तो आज के इस वीडियो में हम जो है केवल ही जो प्राचीन भारत में जो आक्रमण हुए थे उनको देखेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं मध्यकालीन भारत और आधुनिककालीन भारत में जो विदेशियों ने आक्रमण किया था उन पर भी मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। तो इस टॉपिक को शुरू करते हैं हम। तो हमारे प्राचीन भारत में जो सबसे पहला आक्रमण किया था वो था ईरानियों द्वारा। ईरान जो कि एक देश है, एशिया का एक देश है, पश्चिमी एशिया का एक देश है ईरान, जिसको फारस भी कहा जाता था प्राचीन समय में। तो वहाँ जो लोग रहते हैं उनको ईरानी कहा जाता है या फारसी कहा जाता है या उनको पारसिक भी कहा जाता है। तो इसको जो है ईरानी आक्रमण या फिर पारसिक आक्रमण के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारे भारत में सर्वप्रथम जिन विदेशियों ने आक्रमण किया वो कौन थे? ईरानी। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है, ईरानियों द्वारा भारत में प्रथम बार आक्रमण किया गया। उसके बाद यूनानी आए, फिर यवन, फिर उसके बाद शक जिनको सिथियन भी कहा जाता है, फिर पहलव, फिर कुषाण, फिर अंत में हुण। ये प्राचीन भारत की बात है। अगर प्राचीन भारत में अगर हम मुस्लिम आक्रमणकारियों को ले लें तो उसके बाद फिर अरबी आक्रमण भी होता है, उस चीज़ को हम आगे देखेंगे आगे किसी वीडियो में। तो सबसे पहले हम जानते हैं ईरानी आक्रमणकारियों के विषय में। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया ईरान पश्चिम एशिया का एक देश है। तो ईरान में एक वंश था हक्कामनी वंश, ये जो मैंने लिखा है ना हक्कामनी, तो ये जो है एक राजवंश था। जैसे कि हमारे भारत में था मौर्य वंश, हर्यक वंश, गुप्त वंश, मुगल वंश, मराठा वंश, तो वैसे ही हक्कामनी वंश जो कि फारस का या फिर कह लें ईरान का एक राजवंश था। इसका संस्थापक था कुरुश, कुरुश जिसको कि साइरस भी कहा जाता था, कुरुश या साइरस। इसका शासनकाल 558 ईसा पूर्व से 530 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। तो ये पहला वो व्यक्ति है जिसने भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया था। कुरुश ने भारत के पश्चिमोत्तर भाग में आक्रमण किया था लेकिन उसको सफलता हाथ नहीं लगी, मतलब कि उसको हार का सामना करना पड़ा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हमारे भारत में जितने भी आक्रमण हुए हैं ना अभी तक, सभी के सभी पश्चिमोत्तर भारत से ही हुए हैं। मतलब कि अभी का जो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला जो एरिया है जो किसी समय भारत का ही अंग हुआ करता था, तो अधिकांशतः आक्रमण जो है उसी क्षेत्र से हुआ है, पश्चिमोत्तर भारत से। तो कुरुश इसने भी जो है भारत के पश्चिमोत्तर भारत में आक्रमण किया था लेकिन इसको असफलता का सामना करना पड़ा था। उस समय के जो इतिहासकार हैं हेरोडोटस, एरियन, स्ट्रैबो जैसे, उनके विवरणों से पता चलता है कि इसने भारत में आक्रमण किया था लेकिन ये भारत की सीमा में प्रवेश करने में असफल रहा था। तो इतना याद रखिएगा। उसके बाद हक्कामनी वंश का दूसरा शासक हुआ दारय बहु, मतलब दूसरा शासक नहीं था, इसका उत्तराधिकारी था कुरुश के बाद, मतलब कोई और राजा बना होगा उसके बाद, फिर दारय बहु राजा बनता है। दारय बहु
522 से 430 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा। हखामनी वंश का था, ईरान में इसने शासन किया। क्या नाम? दारय बहु। इसने भी जो है भारत पर आक्रमण किया और ये जो है बैक्टीरिया काबुल को जीतता हुआ, बैक्टीरिया जिसको बल्ख भी कहा गया है। हमने जब हिंद यवन आक्रमणकारी पढ़ा था तो उस टाइम पे बैक्टीरिया के विषय में भी पढ़ा था। तो बैक्टीरिया जो कि हिंदू कुश पर्वत के आसपास का क्षेत्र है, और ये जो हिंदू कुश पर्वत है ना, भारत का उस समय सीमा हुआ करता था, तो हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के आसपास ही है बैक्टीरिया। तो ये जो दारय बहु है, बैक्टीरिया जिसको बल्ख कहा जाता था उसको जीतता है, उसके बाद काबुल को जीतता है और फिर हिंदू कुश पर्वत को पार करके भारत के भीतर प्रवेश करता है। तो याद रखेंगे, दारय बहु भारत में आक्रमण करने वाला पहला शासक था जिसको सफलता प्राप्त हुई थी। सबसे पहले कुरुस ने आक्रमण किया लेकिन उसको क्या, असफलता मिली, लेकिन जो दारय बहु था इसने सबसे पहले सफलता पूर्वक भारत पर आक्रमण किया था। अगर पूछा जाता है भारत पर आक्रमण करने वाला पहला शासक कौन था, पहला व्यक्ति कौन था, और ऑप्शन में जो है दारय बहु नहीं होता है, तो आपको क्या लगाना है? कुरुस लगाना है। अगर सफलता पूर्वक आक्रमण किसने किया था तो दारय बहु लगाना है। 522 से 480 ईसा पूर्व इसका शासनकाल था। अच्छा, जब दारय बहु ने भारत में आक्रमण किया तो उसका सामना होता है दारा प्रथम नामक एक शासक से। तो उसके बाद जो है ये अपना मतलब पश्चिमोत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है और वहां पर अपना शासन करना शुरू कर देता है। कौन? दारय बहु। उसके बाद उसके कुछ वंशज भी वहां पर शासन करते हैं। उसके बाद दारय बहु तृतीय नाम का एक राजा होता है लगभग 331 ईसा पूर्व के आसपास। 331 ईसा पूर्व के आसपास ही यूनान का राजा सिकंदर, आगे हम पढ़ेंगे सिकंदर के बारे में, वो जो है विश्व विजय के लिए निकलता है और भारत को जीतने के लिए भी आता है। और ये जो दारय बहु है उसने भारत के जिन क्षेत्रों को जीता था उन पर अधिकार कर लेता है सिकंदर। तो यहाँ पर जो है ईरानी और यूनानियों के बीच में एक युद्ध हुआ था, अरवेला का युद्ध। अरवेला का युद्ध उस समय जो है दारय बहु तृतीय शासक था, तो अरवेला का युद्ध होता है 331 ईसा पूर्व में। और इस अरवेला के युद्ध में पहली बार ईरानियों ने जो है भारतीयों का सहारा लिया था यूनानियों के विरुद्ध। मतलब कि जो ईरानी शासक होते हैं अपनी सेना में भारतीयों को भर्ती करते हैं यूनानियों से लड़ने के लिए। तो याद रखेंगे, यूनानियों से लड़ने के लिए ईरानियों द्वारा भारतीयों को सेना में भर्ती किया जाता है। किस युद्ध में? अरवेला के युद्ध में, जिसमें सिकंदर जीत जाता है और ईरानियों के राज्य पर अधिकार कर लेता है। तो इस प्रकार से भारत से ईरानियों का राज समाप्त हो जाता है और फिर कौन आ जाते हैं? यूनानी। अब अगला हम देखते हैं यूनानी आक्रमण। तो जैसे कि अभी मैंने बताया, सिकंदर विश्व विजय के लिए निकलता है, अरवेला के युद्ध में ईरानियों को परास्त कर देता है और उनके द्वारा जो भी जीते गए प्रदेश हैं उन पर अधिकार कर लेता है। थोड़ा सा हम सिकंदर के बारे में जान लेते हैं। ये जो सिकंदर है मेसिडोन के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। जब ये राजा बनता है तो उसके बाद जो है ये विश्व विजय के लिए निकल पड़ता है। मतलब कि ये जो है पूरी दुनिया को जीतना चाहता है और पूर्व की ओर समुद्र सागर के रहस्य को सुलझाना चाहता था। तो सिकंदर निकल पड़ता है अपनी पूरे सेना लेकर के विश्व विजय के लिए। रास्ते में जो भी आता है उन सबको जीतता चला जाता है, मिस्र सीरिया सबको जीत लेता है और फिर उसके बाद भारत में प्रवेश करता है। तो बहुत सारे क्षेत्रों को जीतता है। भारत में लगभग ये जो है 326 ईसा पूर्व के आसपास प्रवेश करता है और बीच में जो ईरानियों का जो राज होता है, ईरानियों का जो क्षेत्र होता है उस पर भी ये अधिकार कर लेता है। यहाँ पर जो है एक राजा का नाम आता है, तक्षशिला का राजा आम्भी। यहाँ मैंने आम्भा लिख दिया है, ये आम्भी है, इसका नाम याद रखेंगे, आम्भी जो कि तक्षशिला का राजा था, थोड़ा शक्तिशाली राजा था। लेकिन ये क्या करता है, आम्भी सिकंदर से मित्रता कर लेता है और सिकंदर को जो है हर प्रकार की सहायता देने का वादा करता है। फिर सिकंदर आगे बढ़ता है, आगे इसका सामना होता है पोरस नामक एक राजा से, जो कि एक छोटे से राज्य का राजा होता है लेकिन बड़ा ही मतलब वीर होता है, बड़ा ही साहसी पराक्रमी होता है। वो जो है सिकंदर का सामना करता है। सिकंदर और पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व में युद्ध होता है, लड़ाई होता है, जिसको वितस्ता का युद्ध नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, वितस्ता का युद्ध 326 ईसा पूर्व, जिसको हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में सिकंदर जो पोरस होता है वो सिकंदर के सामने डटा रहता है। सिकंदर को पोरस को हराने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, बड़ी मुश्किल से वो पोरस पर जीत हासिल करता है। तो इससे जो है सिकंदर खुश हो जाता है और पोरस को उसका राज्य वापस कर देता है। इसके बाद जो है सिकंदर आगे बढ़ता है, लेकिन सिकंदर की सेना जो है
है आगे बढ़ने से मना कर देती है। मतलब देखिए, पोरस के साथ जो लड़ाई हुई थी उसमें सिकंदर के जो सेना, उन्होंने देखा पोरस के सैनिकों ने किस तरह से उनकी मतलब कितनी मुश्किल से उसको हराना पड़ा था पोरस को, तो सिकंदर की जो सेना है मना कर देती है आगे बढ़ने से कि पता नहीं भारत के अंदर और कितने पोरस बैठे होंगे, तो वो मना कर देते हैं और व्यास नदी को पार किए बगैर ही सिकंदर अपनी सेना के साथ वापस लौट जाता है और जितने भी क्षेत्रों को वो जीते रहता है उन क्षेत्रों में अपने गवर्नर नियुक्त कर देता है, अपना प्रांतपति नियुक्त करके वो वापस चला जाता है और रास्ते में ही बेबीलोन नामक स्थान में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। तो यूनानी आक्रमणकारियों में आपको बस इतना ही याद रखना है। अच्छा, सिकंदर के बारे में भी जो मैंने डिटेल वीडियो बनाया था उसको आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। सिकंदर का एक सेनापति था सेल्यूकस, जो कि आगे चल करके भारत में आक्रमण करता है। यूनानियों के बाद भारत में आक्रमण किया था यवनों ने, यवन आक्रमणकारी। देखिए, ये जो यवन थे ना, ये यूनानी ही थे। मैंने अभी बताया कि सिकंदर भारत में आता है और जो पश्चिमोत्तर भारत के बहुत सारे क्षेत्रों को जीतता है और उसकी सेना के मना करने के बाद वो जो है वापस लौट जाता है, तो जो क्षेत्र वो जीते रहता है वहां पर अपना गवर्नर नियुक्त कर देता है, मतलब कि अपने सेनापति अधिकारियों को गवर्नर प्रांतपति जो भी है वो बना करके वो चल देता है। सिकंदर की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके जो सेनापति होते हैं, जो लोग यहां पर पश्चिमोत्तर भारत में और एशिया में जितने भी स्थानों में सिकंदर ने अपने राज्य जीते हुए होते हैं, वहां पर जिनको वो नियुक्त करके जाता है वो सब जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। तो ये जो सेल्यूकस था इसको जो है पश्चिमोत्तर भारत का क्षेत्र दे दिया गया होता है, सीरिया तक का क्षेत्र जो है सेल्यूकस के अधिकार में होता है। तो जब सिकंदर की मृत्यु हो जाती है तो सेल्यूकस भी जो है स्वतंत्र हो जाता है और यहीं पर बस जाता है। तो सिकंदर द्वारा जो अधिकारी, जो गवर्नर यहां छोड़े गए थे पश्चिमोत्तर भारत में और जिन्होंने अपना यहां पर राज्य स्थापित किया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, तो उन्हीं लोगों को ही यवन कहा जाता है, जिनको हिंद यवन, इंडो बैक्टीरियन, हिंद यूनानी आदि नामों से जाना जाता है। तो ये लोग थे तो यूनानी, लेकिन जो कई वर्षों तक पश्चिमोत्तर भारत में बसे होने के कारण इनको जो है हिंद यवन कहा जाता है। तो देखते हैं इनके विषय में, सेल्यूकस जो कि सिकंदर का सेनापति था, सिकंदर के साथ जो है इसने भारत में आक्रमण किया था। तो सेल्यूकस 305 ईसा पूर्व में भारत में आक्रमण कर देता है। अब 305 ईसा पूर्व में भारत में किसका शासन था? मौर्य आ गए थे। 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश का अंत कर दिया और मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी और लगभग पूरे भारत पर अपना अधिकार कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने कुछ ही क्षेत्र बचे हुए थे जिसको आगे चल करके अशोक ने जीता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है एक पराक्रमी शासक था, तो उसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेल्यूकस जो है 305 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत में आक्रमण कर देता है। चंद्रगुप्त मौर्य से उसका सामना होता है, भयंकर युद्ध होता है और ये जो सेल्यूकस है बुरी तरह से हार जाता है, मतलब कि ये जो है कामयाब नहीं हो पाता है। अभी तक मैंने जो राजा बताए जिनको सफलता मिली उनके नाम आप लोगों को याद रखना है। सिकंदर, इसको सफलता मिली थी लेकिन इसको जो है अपनी सेना के मना करने के कारण लौटना पड़ा। उससे पहले मैंने बताया था दारैबहु, तो दारैबहु और सिकंदर अभी तक दो शासक हैं जिनको भारत में आक्रमण मतलब प्रवेश करने में सफलता मिली थी। सेल्यूकस ये भारत में आक्रमण करता है लेकिन असफल रह जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस दोनों के बीच संधि होती है। अब चंद्रगुप्त मौर्य जीता हुआ है तो सेल्यूकस को जो है काफी हर्जाना देना पड़ता है, मतलब सेल्यूकस जो है चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत सारा हर्जाना देता है, जैसे कि अपने कई सारे क्षेत्र जो है सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य को दे देता है, जैसे कि जेड्रोसिया हो गया, राकोसिया हो गया, ये सब जो है पश्चिमोत्तर भारत से लगा हुआ जो एशिया का जो क्षेत्र है वहां के कुछ स्थान थे, तो वो सब चीजें जो है सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य को देता है। और चंद्रगुप्त मौर्य भी जो है उससे प्रसन्न होकर के उसको बहुत सारा हाथी गिफ्ट करता है। हाथी जो कि उस टाइम पे भारत में पाए जाते थे और जो पश्चिमी एशिया है उस तरफ जो है हाथी नहीं मिला करते थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेल्यूकस को हाथी देता है गिफ्ट में। और सेल्यूकस क्या करता है, अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। इसके अलावा सेल्यूकस जो है अपना एक राजदूत मेगस्थनीज इसको भेजता है चंद्रगुप्त मौर्य के
दरबार में अपना राजदूत बना करके। तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। और ये जो मेगास्थनीज था ये भारत में कई वर्षों तक रहा और उसने जो है अपना जो मतलब भारत में उसका जो भी अनुभव रहा हो उसको लेकर के उसने एक पुस्तक की रचना की जिसको इंडिका के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेगास्थनीज की इंडिका, बहुत बार पूछी गई है। तो सेल्यूकस इसको भी जो है असफलता का सामना करना पड़ा था। अब जो है सेल्यूकस जो है चंद्रगुप्त मौर्य को अपना दामाद बना लिया, मतलब कि दोनों के बीच जो है रिश्तेदारी हो गई, एक प्रकार से दोनों के बीच जो है मैत्रितापूर्ण संबंध स्थापित हो गया। और ये जो चीज़ है मतलब कि मौर्य साम्राज्य और यवनों के बीच में ये जो मैत्रितापूर्ण संबंध स्थापित हुआ है ये लगभग अगले 100 वर्षों तक बना रहता है। मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आता है, अशोक आता है, तब भी जो है दोनों के बीच यवनों और मौर्यों के बीच जो है संबंध अच्छे रहते हैं। लेकिन आगे चल करके जब अशोक की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो उत्तराधिकारी होते हैं तो उस समय जो है थोड़ी सी स्थिति खराब होने लगती है। उसके बाद जो है फिर से यवनों द्वारा भारत में आक्रमण शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। सेल्यूकस और मतलब कि सेल्यूकस जब सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच जो युद्ध होता है उसके बाद से लेकर के 100 वर्ष तक दोनों राज्यों के बीच मतलब कि मौर्यों और यवनों के बीच जो है शांतिपूर्वक मतलब मैत्री संबंध बना रहता है। अशोक की मृत्यु के बाद या कहें हम मौर्य काल के पतनोन्मुख होने के समय मतलब कि जब मौर्य अपने पतन की ओर उन्मुख हो रहे थे उस समय जो है फिर से यवन भारत पर आक्रमण कर देते हैं। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक ये लोग जो है पश्चिमोत्तर भारत में सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते थे। वो लोग जानते थे, समझते थे कि अगर भारत में आक्रमण हो सकता है तो वो केवल और केवल पश्चिमोत्तर भारत से। अगर हम हमारे भारत के भौगोलिक स्थिति को देखें ना तो जो पश्चिमोत्तर भारत है वही खुला था। अगर आज के परिवेश में भी अगर हम देखें तो हमको जो है ज़्यादा सिक्योरिटी पश्चिमोत्तर भारत में ही लगाना पड़ता है। जो पाकिस्तान से लगा हुआ जो भाग है उस तरफ ही हमको ज़्यादा सिक्योरिटी देना पड़ रहा है। बाकी उत्तर की ओर तो हिमालय है, इधर पूर्व की ओर भी हिमालय है, फिर भी जो है उस तरफ आज के समय में क्योंकि आज टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ गई है तो उस कारण से सिक्योरिटी की थोड़ी ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन पहले जो है टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी थी नहीं तो उस कारण से जो आक्रमणकारी थे वो हिमालय पर्वत को पार नहीं कर सकते थे और जो समुद्र है उसके उस तरफ से भी किसी प्रकार का कोई आक्रमण होने का डर नहीं था। वो तो आगे चल करके जब मध्यकालीन भारत में यूरोपीय जो है सागर से आए, क्योंकि उस समय तक जो है जो अपना क्या कहेंगे जो जल यात्रा काफ़ी सुगम हो गया था। लेकिन प्राचीन समय में जो है पश्चिमोत्तर भारत से ही अधिक खतरा था बाह्य आक्रमण का। तो जो मौर्य शासक थे वो इस चीज़ को समझते थे और उस तरफ जो है सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखते थे। तो जब मौर्य काल का पतन हो जाता है तो उस समय फिर जो है यवनों का आक्रमण शुरू हो जाता है। तो उसके बाद जो है एंटियोकस तृतीय, एंटियोकस तृतीय ये जो है सेल्यूकस का वंशज था, एंटियोकस तृतीय। तो इसके समय में 206 ईसा पूर्व में, ये ईसा पूर्व है इसमें मैंने लगाया नहीं है, 206 ईसा पूर्व में एंटियोकस तृतीय ये जो है भारत में आक्रमण कर देता है और पश्चिमोत्तर भारत के एक राजा सुभगसेन इसको पराजित कर देता है। लेकिन ये जो एंटियोकस तृतीय है ना ये भारत में प्रवेश नहीं करता है, मतलब कि इसको जो है भारत में प्रवेश करने में सफलता प्राप्त नहीं होती है। हालांकि इसने सुभगसेन को परास्त किया होता है लेकिन ये जो है भारत में प्रवेश नहीं करता है। उसके बाद अगला यवन शासक हुआ डेमेट्रियस। डेमेट्रियस देखिए यहाँ तक आप जो सेल्यूकस और एंटियोकस तृतीय ये दोनों जो है एक ही वंश के थे। उसके बाद ये जो डेमेट्रियस है ना ये अलग वंश का था तो ये यवन भी। देखिए क्या हुआ कि ये जो सेल्यूकस है एंटियोकस तृतीय है ये लोग जो है सीरिया से शासन करते थे। पूरा का पूरा पश्चिमोत्तर भारत जहाँ पर सिकंदर का अधिकार था उन सब क्षेत्रों पर ये लोग जो है सीरिया से ही शासन करते थे। जो बैक्टीरिया को जीत रखा था इन लोगों ने तो बैक्टीरिया के जो गवर्नर थे डायोडोटस प्रथम वो जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है और सीरिया से जो है सारे संबंध तोड़ देता है। तो उसी डायोडोटस का वंशज होता है डेमेट्रियस। तो इसको भी जो है हम इसी यवन में ही शामिल करेंगे क्योंकि था तो वो हिंद यवन ही। तो डेमेट्रियस इसको याद रखना है कि सिकंदर के बाद दूसरा यवन शासक जिसको भारत में प्रवेश करने में सफलता मिली थी। मैंने बताया सिकंदर इसको जो है सफलता मिल गई थी लेकिन सेल्यूकस ये हार जाता है। एंटियोकस तृतीय सुभगसेन को तो हराया लेकिन भारत में प्रवेश करने में सफल नहीं हो पाता है। तो डेमेट्रियस प्रथम यवन शासक कह सकते हैं हम, पहला हिंद यवन शासक जिसको भारत में प्रवेश करने में सफलता प्राप्त होती है। हिंदू कुश पर्वत को पार करके ये भारत में प्रवेश करता है और भारत के बहुत सारे प्रदेश जो पश्चिमोत्तर भारत वाला
क्षेत्र है ना पश्चिमोत्तर भारत, जैसे कि सिंध, पंजाब, गांधार वांधार का जो क्षेत्र है वो सबको ये जीत लेता है डेमेट्रियस। तो हिंद यवन शासकों में पहला सफल शासक जिसने भारत में प्रवेश किया डेमेट्रियस था, और सिकंदर के बाद पहला शासक डेमेट्रियस ही था जिसको भारत में सफलता प्राप्त हुई थी। उसके बाद अगला शासक हुआ मिनांडर। मिनांडर देखिए, मिनांडर के समय क्या था, इस समय जो है हिंद यवन शासकों ने भारत के बहुत सारे क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था, तो उसी समय मिनांडर नामक एक शासक हुआ जो यहाँ पर शासन कर रहा था। मतलब कि इसने, ये जब राजा बना उस समय तक जो है पश्चिमोत्तर भारत के बहुत सारे क्षेत्र में हिंद यवनों का अधिकार हो चुका था, तो उसी में जो है उसी राज्य का ये राजा होता है मिनांडर, जिसको भारतीय ग्रंथों में मिलिंद के नाम से लिखा गया है। मिलिंद याद रखिए, मिनांडर का मिलिंद। देखिए क्या होता था ना प्राचीन समय में, कि जो यूनानियों के जो नाम होते थे, जो ईरानियों के जो नाम होते थे, जो दूसरे बाहर के जो लोग होते थे उनके जो नाम होते थे थोड़े अलग होते थे, तो भारतीय लोग जो है उसको अच्छे से उच्चारित नहीं कर पाते रहे होंगे, उनका जो है उच्चारण सही नहीं होता रहा होगा, तो उसी कारण से मिनांडर का मिलिंद हो गया, और जो बैक्ट्रियन का यवन हो गया, जैसे कि आगे जो सिकंदर है उसका जो असली नाम क्या था, अलेक्जेंडर, तो अलेक्जेंडर का भारत में क्या हो गया, सिकंदर। ठीक इसी प्रकार से जो भारतीय राजा होते थे, भारतीय स्थान होता था, उन सबको जो है यूनानियों फारसियों द्वारा अलग अलग नामों से जाना जाता था। जैसे कि हमने मौर्यकालीन भारत में पढ़ा था कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक को यूनानियों द्वारा अलग अलग नामों से पुकारा जाता था, मतलब कि उनके जो ग्रंथ प्राप्त हुए हैं उनमें जो भारतीय शासकों के लिए अलग अलग नाम मिलते हैं, तो ये चीज थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो मिनांडर, इसको भारत में क्या कहा जाता था, मिलिंद, ये कौन था, यवन शासक था। तो जो मिनांडर था इससे संबंधित एक चीज आप लोगों को याद रखनी है, मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो ये जो है एक ग्रंथ है, मिलिंद पन्हो, इसका मतलब होता है, मिलिंद पन्हो का मतलब मिलिंद के प्रश्न। देखिए क्या हुआ था कि जब हिंद यवन शासक यहाँ आक्रमण करते हैं, तो उस समय जो है भारत में जो अपना बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, उसका काफ़ी प्रसार हो गया था, विशेष रूप से बौद्ध धर्म। तो ये जो मिनांडर है बौद्ध धर्म से काफ़ी प्रभावित होता है, और एक जो है बौद्ध भिक्षु होते हैं नागसेन, तो उनसे जो है काफ़ी ये वाद विवाद करता है, मतलब उनको बहुत सारे प्रश्न पूछता है बौद्ध धर्म से संबंधित, मतलब इसको बहुत कुछ जानना होता रहा होगा बौद्ध धर्म के संबंध में। तो नागसेन और मिनांडर के बीच जो भी बातें होती है, जो भी वाद विवाद होता है, उसी का संग्रह है मिलिंद पन्हो में। याद रखिएगा, मिनांडर, मिलिंद पन्हो। मिनांडर ने अपनी राजधानी साकल नामक स्थान को बना रखा था, साकल, जिसको कि वर्तमान समय में सियालकोट के नाम से जाना जाता है, साकल वर्तमान में सियालकोट। उसके बाद अगला हम देखते हैं सिथियन। सिथियन जिनको भारत में शक कहा गया है, तो शकों का आक्रमण हम देखते हैं। देखिए ये जो शक हैं, कुषाण हैं, उसके बाद हुण हैं, ये सब जो है ना चीन के थे, मतलब कि चीन और मध्य एशिया के ये खानाबदोश जातियां हुआ करती थी। तो इनके विषय में थोड़ा सा मैं बताता हूँ क्या हुआ था, कि जैसे कि शक हो गया, उसके बाद कुषाण, उसके बाद हुण, ये तीनों जो है ना खानाबदोश जातियां थी, और ये तीनों जो है ना जो चीनी जो साम्राज्य थी, चीनी साम्राज्य उस टाइम का, तो उसको काफी तंग किया करते थे, वहां पर लूटपाट करते थे, तो चीन के राजा जो है इनसे बड़े परेशान थे। तो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास चीन के राजा द्वारा, चीन की विशाल दीवार, जो चीन में जो महान दीवार है ना, बहुत लंबी जो दीवार है, उसका निर्माण किया जाता है तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, ताकि ये जो लोग हैं और इसके अलावा जो दूसरे आक्रमणकारी हैं वो अंदर ना आ सकें, तो उसके लिए जो है उस दीवार का निर्माण किया जाता है। और उस दीवार के निर्माण होने के बाद ये जो खानाबदोश जातियाँ हैं चीन से बाहर धकेल दी जाती है, विशेष रूप से जो हुण जाती है, ये जो है ये काफी परेशान करती थी चीनियों को, तो हुण जो है इनको बाहर धकेल दिया जाता है। फिर हुण जो है आगे चल करके यूची, जिनको भारत में कुषाण कहा गया है, इनको परास्त कर देती है, और यूची जहां पर होते हैं उनके जगह पर ये लोग आ जाते हैं, हुण लोग। फिर यूची ये लोग बेघर हो जाते हैं, फिर आश्रय की खोज में यहां वहां भटकते रहते हैं, आगे चल करके फिर इनका सामना होता है शकों से, शकों को परास्त कर देते हैं, और शक जहां रह रहे होते हैं वहां पर अधिकार कर लेते हैं। फिर शक ये बेघर हो जाते हैं, आश्रय की खोज में भटकते हुए ये लोग पहुंचते हैं बैक्ट्रिया। बैक्ट्रिया में यवनों का शासन है, कुछ शक जो है ईरान भी पहुंच जाते हैं, और ऐसे ही करते करते ये जो शक है ना भारत में प्रवेश कर जाते हैं, मतलब कि ये लोग तो पहले से ही खानाबदोश थे, लेकिन चीन की दीवार बनने के बाद जो है इनके सामने और दिक्कत आ गई। हुण ये लोग यूची के ऊपर आक्रमण कर देते हैं, फिर यूची शक के ऊपर आक्रमण कर देते हैं, फिर शक कहाँ जाते हैं, यवनों के ऊपर आक्रमण कर देते हैं, जो बैक्ट्रिया में उनका शासन था, पश्चिमोत्तर भारत में जो उनका शासन था उस पर आक्रमण कर देते हैं शक, और उन पर अधिकार कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है
शक भारत में प्रवेश कर जाते हैं और भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं। देखिए ये जो शक थे ना, ये कबीलों में बटे हुए थे, अलग अलग बहुत सारे कबीलों में बटे हुए थे और भारत में भी इनकी कई शाखाओं ने शासन किया था। मुख्य रूप से जो है भारत में इनकी 4 शाखाओं द्वारा शासन किया गया था। इनकी जो पहली शाखा थी शक शासकों की, वो पश्चिमोत्तर भारत में अधिकार करती है, मतलब कि उधरी से घुसेगी तो पहले तो वहीं अधिकार करेगी, पश्चिमोत्तर भारत में अधिकार करती है। तो यहाँ भारत में शकों का पहला राज्य स्थापित करने का श्रेय जाता है मोग या मुएज, इसका दो नाम मिलता है मोग या मुएज, इसको जो है भारत में पहला शक राज्य स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, जो कि गांधार में शक राज्य की स्थापना करता है। मतलब कि गांधार में जो भी पहले यवन शासक रहे होंगे उनको परास्त करके भगा देता होगा और वहां पर अपना शक राज्य स्थापित कर देता है, कौन, मोग या मुएज। उसके बाद देखिए जो शक जब भारत में प्रवेश करते हैं ना, ठीक उनके पीछे पीछे ये जो पार्थियन है, जिनको पहलव भी कहा जाता है, ये जो पार्थियन है ना ईरान के थे, ईरान जो मैंने बताया जो सबसे पहले आक्रमण किए थे, वहाँ की एक जाति थी पार्थियन, वहाँ एक स्थान है पार्थिया करके, तो वहीं के थे ये पार्थियन जिनको भारत में पहलव कहा जाता है। शकों के ठीक पीछे पीछे ये लोग भी भारत में प्रवेश करते हैं और पश्चिमोत्तर भारत में जहाँ पर मोग या मुएज ने अपना अधिकार कर रखा था वहाँ पर जो है इसके राज्य में अटैक कर देते हैं और उस पर जो है अपना अधिकार कर लेते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, जो शकों के जो दूसरे लोग होते होंगे वो लोग फिर जो है भारत में और अंदर घुसते चले जाते हैं, कुछ मथुरा की ओर चले जाते हैं, कुछ दक्षिण में चले जाते हैं, जैसे कि राजपूताना, काठियावाड़, गुजरात, मालवा, महाराष्ट्र तक ये शक लोग पहुंच जाते हैं और वहां पर जो है अलग अलग शाखाओं में बट करके शासन करने लगते हैं। तो जो दक्कन में, जो दक्कन कहते हैं ना महाराष्ट्र के क्षेत्र को, दक्कन और जो पश्चिमी भारत में जो शक शासन करते हैं, दो शाखाओं का उल्लेख मिलता है विशेष रूप से। एक तो है छहरात वंशी शक, इसमें आप लोगों को याद रखना है नहपान नामक शक राजा का, और दूसरा आपको याद रखना है कर्दमक वंशी शक, इसमें जो है रुद्रदामन का नाम प्रमुख है। तो थोड़ा सा मैं इन लोगों के विषय में बता देता हूं, देखिए थोड़ा सा मैं फिर से बताता हूं क्या हुआ था। शकों ने पश्चिमोत्तर भारत में अधिकार किया, ठीक उनके पीछे पीछे पार्थियन आए और शकों ने जहां जहां भी अधिकार किया था उन पर उन्होंने जीत हासिल कर ली। फिर जो बचे कुचे शक होंगे वो लोग कहां चले गए, दक्षिण की ओर जाकर के उन्होंने अपना राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया। तो उन्हीं में से एक था छहरात में नहपान वंशीय नामक एक शासक हुआ। इसके संबंध में एक चीज आप लोगों को याद रखनी है कि सातवाहन वंशीय शासक, जो कि भारत का राजवंश हुआ करता था सातवाहन वंश, इसके विषय में भी हमने पढ़ा है काफी डिटेल से। तो सातवाहन वंशीय शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी, वो जो है नहपान को पराजित कर देता है और इसके काफी सारे सिक्कों को जो है वो जब्त कर लेता है और उन सिक्कों में अपने नाम का ठप्पा लगा देता है। तो ये चीज जो है जौगल थम्बी नामक एक मृदभांड से प्राप्त हुआ है। और ये भी आप लोगों को याद रखना है कि शक और सातवाहनों के बीच जो है काफी संघर्ष होता रहता था। कभी जो है शक सातवाहनों के ऊपर भारी पड़ते थे तो कभी सातवाहन शकों के ऊपर भारी पड़ते थे। तो नहपान के विषय में इतना ही याद रखना है कि सातवाहन वंशीय शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी से ये पराजित हुआ था। उसके बाद अगला कर्दमक वंशीय शक, इसका जो प्रतापी शासक था उसका नाम है रुद्रदामन। इससे जो है बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जूनागढ़ नामक स्थान से, जूनागढ़ जो कि गुजरात में है गिरनार क्षेत्र में, तो जूनागढ़ के गिरनार क्षेत्र से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है रुद्रदामन का, जिसको रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख नाम से जाना जाता है। इस अभिलेख की खासियत यह है कि ये जो अभिलेख है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। देखिए रुद्रदामन जो एक विदेशी है ना, लेकिन उसने भारत में आकर के शासन किया और संस्कृत भाषा में लेख खुदवाया। और ये जो जूनागढ़ अभिलेख है संस्कृत भाषा का, भारत से प्राप्त अब तक का पहला संस्कृत का लेख है। अगर पूछा जाता है संस्कृत में पहला लेख कौन सा है तो वो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इसी अभिलेख से पता चलता है कि जो रुद्रदामन है ये अपना जो सातवाहन वंशीय शासक है वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी को परास्त किया था। तो याद रखिएगा रुद्रदामन ने वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी को परास्त किया था, हरा दिया था। और ये जो नहपान है ये गौतमी पुत्र सातकर्णी से हारा था ये जीता था। और जूनागढ़ अभिलेख से रुद्रदामन और शकों के विषय में बहुत कुछ जानने को मिलता है।
भारत में सातवाहन शासकों के पतन के बाद गुप्तों का शासन शुरू हो जाता है। गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, ये लोग आ जाते हैं सातवाहनों के बाद। जिस प्रकार से सातवाहन और शकों के बीच में संघर्ष चल रहा था, ठीक उसी प्रकार से ये जो शक लोग हैं गुप्तों के साथ भी इनका बहुत संघर्ष चलता है और अंतिम रूप से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य शकों को परास्त कर देता है। अंतिम शक राजा था रुद्रसिंह तृतीय, जिसको कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य मार देता है और शकों का अंत हो जाता है। तो भारत में शक जो है लगभग चौथी शताब्दी ईस्वी तक रहे थे। तो ये था शकों के बारे में थोड़ा सा। अब अगला हम देखते हैं पार्थियन। पार्थियन जिनको भारत में पहलव कहा गया है, ये जो पार्थियन है, अभी मैंने बताया कि ईरान में एक स्थान है पार्थिया, वहां पर से ये पार्थियन लोग थे जिनको भारत में पहलव कहा गया है। तो जैसे ही शक भारत में प्रवेश करते हैं उसी समय जो है ये लोग भी भारत में प्रवेश करना शुरू कर देते हैं। तो इसका जो संस्थापक था वो था माउस, जिसको मोय भी कहा गया है। एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ना पश्चिमोत्तर भारत में, तो इतने मिले हुए हैं कि कौन सा शकों का है कौन सा पहलवों का है। इतिहासकार भी जो है इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि दोनों का जो शासन है वो समानांतर रूप से चल रहा था। मतलब कि शक पहले घुसे तो उन्होंने जो है भारत के जो पहले वाले हिस्से में कब्जा कर लिया होगा, अधिकार कर लिया होगा, उसके पीछे पीछे पहलव आए होंगे, तो वो लोग फिर जो है शकों के राज्यों को धीरे धीरे करके जीतते चले गए होंगे। तो माउस या मोए, तो ये लोग जो हैं अपना मतलब भारत में प्रवेश, भारत मतलब ये जो माउस या मोय, ये जो है पहलव वंश की स्थापना करता है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ गोंदोफर्निज। गोंदोफर्निज, ये जो गोंदोफर्निज था ना, ये क्या करता है, जो मैंने बताया था मोग या मोयेज, इसका एक उत्तराधिकारी होता है। मतलब कि इसके बाद दो चार राजा होते हैं, तो उन्हीं में से एक राजा होता है एजेज द्वितीय। एजेज द्वितीय उसको जो है मार देता है गोंदोफर्निज और पूरे के पूरे शकों के राज्य पर अधिकार कर लेता है। मतलब कि मोग इसने जितने भी क्षेत्रों पर जीत हासिल की होती है पश्चिमोत्तर भारत में, जैसे पंजाब, सिंध, गांधार, तो उन सब में जो है गोंदोफर्निज अधिकार कर लेता है और अपना पहलव वंश की मतलब अपना पहलव सत्ता वहां स्थापित कर देता है गोंदोफर्निज। उसके बाद फिर शक जो है दक्षिण की ओर चले जाते हैं। तो गोंदोफर्निज के विषय में इतना याद रखना है। उसके बाद एक और चीज याद रखिएगा, सेंट थॉमस। सेंट थॉमस ये कौन थे, ईसाई धर्म प्रचारक। देखिए इस समय तक जो है ईसाई धर्म की भी स्थापना हो चुकी थी, तो जो सेंट थॉमस थे ये भारत आए हुए थे, तो उस समय कौन यहाँ के शासक थे, गोंदोफर्निज, मतलब कि वो जो है पश्चिमोत्तर भारत में शासन कर रहा था। सेंट थॉमस ये भारत आए हुए थे, जिनका तमिलनाडु में हत्या कर दिया जाता है। ये पूरे दक्षिण भारत में भी धर्म प्रचार करते हैं लेकिन तमिलनाडु में इनकी हत्या कर दी जाती है। तो पहलव वंश के विषय में बस आपको इतना ही याद रखना है। उसके बाद हम अगला हम देखते हैं कुषाण। कुषाण जो कि एक यूची जनजाति थी, मतलब यूची जाति के नाम से जानी जाती थी कुषाण यूची, जो कि एक चीन की जाति थी यूची, खानाबदोश जाति थी। जैसे शक थे ना वैसे ही यूची भी थे। मैंने बताया कि जो हुण लोग हैं ये यूची को भगा देते हैं, फिर यूची जो है आगे शकों को भगा देते हैं। मतलब सब जो है एक दूसरे को धकेलते रहते हैं। मतलब जो हुण है वो सबसे आगे रहता होगा, वो फिर यूची को धकेलता होगा, फिर यूची शक को धकेलते होंगे, फिर शक जो है भारत की ओर आ जाते हैं और यवनों को परास्त कर देते होंगे, फिर शकों के पीछे पीछे कुषाण आते हैं, फिर कुषाणों के पीछे पीछे हुण आते हैं। तो ये जो है एक मतलब सिलसिला चलता रहता है। भारत में कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कडफिसेस। ये जो कुजुल कडफिसेस था ना, चीन में जो दूसरे मतलब कुषाण वंशीय जो दूसरे कबीले होते हैं उनको जो है इकट्ठा करता है और भारत में आक्रमण करता है और भारत में कुषाण वंश की स्थापना करता है कुजुल कडफिसेस। कुजुल कडफिसेस तांबे के सिक्के चलाया था, इसने तांबे के सिक्के चलाए थे। इसका उत्तराधिकारी हुआ विम कडफिसेस। विम कडफिसेस के संबंध में याद रखेंगे कि इसने जो सिक्के चलाए थे ना उसमें त्रिशूल, जो कि भारत के जो भारत का जो धर्म संबंधी चिन्ह है त्रिशूल, इस टाइप के चिन्हों को जो है अपने सिक्कों में स्थान दिया था। इसके अलावा इसने जो है जो भारतीयों के समान उपाधि धारण किए थे, जैसे भारतीय राजा उपाधि धारण करते थे ना, उस टाइप का इसने उपाधियां धारण कर रखी थी। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ कनिष्क। कनिष्क जो कि 78 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था कनिष्क, और जब ये गद्दी पर बैठता है 78 ईस्वी में, ईसा पूर्व कहा था मैंने, शायद ये ईस्वी है, 78 ईस्वी, 78 ईस्वी में कनिष्क जो है गद्दी में बैठता है, और जब ये इसका जब राज सिंहासन होता है तो उसी समय ये जो है शक संवत की स्थापना करता है। 78 ईस्वी से जो है शक संवत की शुरुआत मानी जाती है।
कनिष्क के संबंध में कुछ चीजें याद रखिएगा कि कनिष्क के काल में ही चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित किया गया था। बौद्ध धर्म से संबंधित चार संगीतियां हुई थी, तो उनमें से जो चौथी संगीति है वो बौद्ध कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कनिष्क के राज दरबार में कई सारे विद्वान रहा करते थे, जैसे कि अश्वघोष। अश्वघोष जिसने बुद्धचरित, सारिपुत्र प्रकरण, सौंदरानंद, इस टाइप के कई सारे ग्रंथों की रचना की थी। इसके अलावा चरक, जो कि उस टाइम का बहुत बड़ा वैद्य हुआ करता था। इसके अलावा वसुमित्र, वसुमित्र जिसने चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। इसके अलावा नागार्जुन, जो कि शून्यवाद, माध्यमिक सूत्र जैसे चीज़ों का संस्थापक था। तो वो सब जो है कनिष्क के दरबार में रहा करते थे, तो ये जो है विद्वानों को अपने यहाँ आश्रय दिया करता था। इसके अलावा कनिष्क कला प्रिय भी था। कनिष्क के समय ही गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली का विकास हुआ। ये जो दोनों कला शैलियां हैं ना, ये मूर्ति कला से संबंधित थी, तो इन दोनों का जो विकास है ये कनिष्क के समय ही हुआ। और कनिष्क की दो राजधानियां थी, एक थी गांधार में और दूसरी मथुरा में। मथुरा जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो कनिष्क का जो साम्राज्य था वो पूरा गांधार से लेकर के मथुरा तक विस्तृत था। ऐसा कहा जाता है कि कनिष्क के समय पूरे विश्व में जो बड़े बड़े साम्राज्य थे ना, उनमें से कनिष्क का भी एक बड़ा साम्राज्य था। मतलब कि बड़े बड़े साम्राज्यों में, जैसे कि रोम हो गया, चीनी साम्राज्य हो गया, ठीक उसी प्रकार से कनिष्क का भी एक विशाल साम्राज्य था उस टाइम पे। तो ये सब कुछ याद रखिएगा। कुषाणों के विषय में एक और चीज़ याद रखिएगा कि कुषाणों द्वारा जो सोने के सिक्के जारी किए गए थे वो सबसे शुद्ध सिक्के थे। सोने के सिक्के जो जारी किए थे वो सर्वाधिक शुद्ध थे। अगर हम बात करें भारत में सोने के सिक्के सबसे पहली बार किसने जारी किया था, तो हिंद यवन शासकों ने, जो मैंने यहाँ लिखा है ना, ये सब जो सेल्यूकस के उस जो उत्तराधिकारी हुए, तो हिंद यवन शासकों द्वारा भारत में पहली बार सोने के सिक्के जारी किए गए थे। उसके बाद सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का जो है कुषाण शासकों द्वारा जारी किया गया था। उसके बाद तीसरा पॉइंट एक याद रखिएगा, अगर पूछा जाता है कि सर्वाधिक संख्या में सोने के सिक्के किस वंश द्वारा जारी किए गए थे, तो वो है गुप्त वंश। गुप्त वंश ने जो है सर्वाधिक संख्या में सोने के सिक्के जारी किए, लेकिन सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का जो है कुषाणों द्वारा जारी किया गया था। और भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय जाता है हिंद यवन शासकों को। और हिंद यवन शासकों के समय से ही भारत में सिक्कों का व्यवस्थित इतिहास जानने को मिलता है। मतलब कि इन्होंने जो सिक्के जारी किए थे हिंद यवन शासकों ने, तो उसमें जो है राजाओं के नाम स्पष्टतः लिखे हुए मिलते थे। मतलब कि कोई भी सिक्का प्राप्त हुआ है तो उसमें राजा का नाम दिया हुआ होता था, तिथि दिया हुआ होता था। इससे पहले के जो सिक्के प्राप्त हुए, मतलब कि मौर्य काल के जो सिक्के हैं, वो उतने जो है अच्छे नहीं थे। मतलब कि वो जो है पंचमार्क, आहत सिक्के जिनको हम कहते हैं, तो उतने जो है सुडोल भी नहीं होते थे, व्यवस्थित भी नहीं होते थे। तो यवनों द्वारा जो सिक्के जारी किए गए वो व्यवस्थित थे और आकार में भी सुडोल हुआ करते थे, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। और जो मैंने बताया कुषाण वंशीय शासक कनिष्क द्वारा शकसवंत की शुरुआत की गई थी। शकसवंत से आप लोग ये मत समझिएगा कि शकसवंत की शुरुआत शक शासकों ने की थी। शकसवंत की शुरुआत जो है कुषाण शासकों द्वारा की गई थी। शकों के संबंध में एक चीज याद रखिएगा कि 57-58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। 57-58 ईसा पूर्व में, देखिए उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में है, तो उज्जैन के एक राजा हुआ करते थे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ने शकों को बुरी तरह से पराजित कर दिया, और इस उपलक्ष्य में, मतलब कि शकों को परास्त करने के उपलक्ष्य में, उन्होंने जो है विक्रम संवत की शुरुआत की। विक्रम संवत की शुरुआत की कब? 57-58 ईसा पूर्व में। ये शकों से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये जो शक संवत है ना, इसकी शुरुआत कनिष्क द्वारा की गई थी। मतलब कि कुषाणों ने शक संवत की शुरुआत की थी, लेकिन इसको शक संवत क्यों कहा जाता है? इसका कारण है जो शक थे इन्होंने लंबे समय तक शक संवत का प्रयोग किया था, इस कारण से उसको शक संवत कहा जाता है। और जो विक्रम संवत था वो शकों को परास्त करने की खुशी में राजा विक्रमादित्य द्वारा शुरू किया गया था, तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आखिर में हम देखते हैं हूण आक्रमण। देखिए हूण जो है ये भी विदेशी आक्रमण थे, जो चीन के ही थे ये हूण भी, जिनको हुंगनू कहा जाता था चीन में, हुंगनू, और भारत में इनको हूण कहा गया है। तो हूणों का आक्रमण भारत में कब होता है? गुप्तों के शासनकाल में, जब गुप्त शासन कर रहे होते हैं उस समय हूणों का आक्रमण होता है। गुप्त शासक कुमार गुप्त के समय पहली बार हूणों का आक्रमण होता है। उसके बाद स्कंद गुप्त, जो कि गुप्त वंश का एक शासक था, वो जो है हूणों को अंतिम रूप से परास्त कर देता है, भारत से बाहर खदेड़ देता है। देखिए जब गुप्त आते हैं ना, तो वो लोग जो है शकों को मार भगाते हैं, मतलब कि शकों का अंत
अंत करते हैं, उसके बाद फिर पश्चिमोत्तर भारत में पूरा सिक्योरिटी का ध्यान देते हैं। तो हुण जब आक्रमण करते हैं कुमार गुप्त के टाइम पे पहली बार आक्रमण करते हैं, फिर स्कंद गुप्त जो है हुणों को पूरी तरह से पराजित कर देता है। तो ये था प्राचीन भारत में हुए विदेशी आक्रमण। इसमें मैंने जो है अरबी आक्रमण जो कि 7वीं-8वीं शताब्दी में हुआ था उसको मैंने ऐड नहीं किया है, उसको हम जो है अलग से अगले किसी वीडियो में देखेंगे। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो के संबंध में, टॉपिक के संबंध में आप लोगों की कोई भी डाउट हो, कोई भी सुझाव हो तो आप लोग बेशक कमेंट कर सकते हैं, और किस टाइप की वीडियो चाहिए ये भी आप लोग बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।